जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ECC फैमिली में। ECC फैमिली Instagram तथा Telegram में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram, YouTube तथा Telegram से जुड़ जाएं। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है तथा कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेप हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को, इस वाले वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो काउंसलिंग के समय या फीस पेमेंट के समय या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के समय। और सबसे लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आई है इवन क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा, जो वेटेज कैटेगरी सीट्स है, वेटेज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में कुछ सीट्स होती हैं जिनको वेटेज मिलता है, जैसे 5% का वेटेज या आपकी सीट रिजर्व वाला, ऐसा जो होते हैं वेटेज, तो ये सारे वेटेज मिलते हैं। तो इसके बारे में हम लास्ट में सबसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, हमने काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो बना दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो वो काउंसलिंग प्रोसेस तक का वीडियो था। उसके बाद आपका सीट कैसे अलॉट होगा, फीस पेमेंट कैसे होगा, कैसे आपका एडमिशन क्लियरली माना जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है इवन क्रिश्चियन कॉलेज में या नहीं, इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें रहेंगी वो स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में है, तो हम स्क्रॉल फॉर्मेट में नहीं दिखा पाएंगे आपको। हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन आपके पास जो आप अपना एडमिशन पोर्टल खोलेंगे तो वो स्क्रॉल के माध्यम से देखेगा। तो सब आपको पता ही है कि एवं क्रिश्चियन कॉलेज में जो CUET UG के तहत एडमिशन होने हैं, वो BA, BSc, BCom एंड BCA के एडमिशन होने हैं। कट ऑफ आ चुकी है, एडमिशन्स कल यानी 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी एडमिशन्स हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द एडमिशन्स कर लें, कल लास्ट डेट है कट ऑफ की। कट ऑफ का वीडियो हमने काउंसलिंग प्रोसेस में बताया था, नहीं अगर आपने देखा है तो देखिए, ये है आपकी ECC CUET UG की फर्स्ट कट ऑफ, ये 2023 की फर्स्ट कट ऑफ है, जिसकी एडमिशन्स डेट है 4 सितंबर से 6 सितंबर, कल सुबह, मतलब 6 सितंबर तक है, कल सुबह 11:30 बजे तक। BA की देखिए 592 प्लस है, BSc मैथमेटिक्स, BSc बायोलॉजी, BCom, BCA, ये आपकी कट ऑफ है। तो लेकिन हमारा मेन मोटो है आज के वीडियो में काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और वहाँ ECC प्रयागराज .org टाइप करेंगे। ये ECC की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, आपके सामने ECC प्रयागराज .org, मतलब ECC का ऑफिशियल पोर्टल, ये देखिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपका एडमिशन सेक्शन है, तो आप देखिए एडमिशन आपको लेना है सेशन 2023-24 में। तो आप एडमिशन क्लिक हियर टू एक्सेस एडमिशन पोर्टल वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा फेस ओपन होगा, जिसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर CUET कैंडिडेट। देखिए, ये UG के लिए है। तो रेड वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपका रोल नंबर और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यही प्रोसेस करना है। स्टेप 1 में आपको CUET का जो रोल नंबर है ये आपके स्कोर कार्ड में मिल जाएगा, और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और देखिए, इवन क्रिश्चियन कॉलेज में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे, तो इस बात ये क्वेश्चन अब मत पूछेगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, AU का फॉर्म भरे नहीं भरे हैं तो होगा या नहीं होगा। देखिए, AU का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आपका एडमिशन इवन क्रिश्चियन कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होगा और डायरेक्टली भी एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपकी पूरी CUET की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर होगी। लेकिन और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन वो इवन क्रिश्चियन कॉलेज को चाहिए वो आपको भरनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर आपका CUET, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है ये आपका लिखा होगा, और यहाँ पर आपका CUET, देखिए जैसे हमने चीज़ें ब्लर कर दी हैं जो भी, क्योंकि दूसरे की इन्फॉर्मेशन है शेयर नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी रीजंस, तो हमने हाइड कर दिया। यहाँ आपका CUET स्कोर लिखा होगा। इस पे देखिए आपको ये जो BCA, जैसे इसका BCA कोर्स था, तो इसके सामने जो ब्लैंक का चिन्ह बना है इसको आपको टिक जरूर करना है। इसको टिक करने के बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स, देखिए ये डिटेल्स आपको स्क्रॉल फॉर्मेट में आपके पोर्टल पे मिलेंगी, हमारे पास सिर्फ स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में है, तो हम ऐसे ही आपको दिखा पाएंगे। देखिए, आप नीचे डिटेल्स हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, देखिए बोर्ड वगैरह ये सब डिटेल्स भरेंगे। सब्जेक्ट टेकन इन इंटरमीडिएट, देखिए ये सब्जेक्ट टेकन इन इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, ये सब FIR वगैरह। अकाउंट नंबर को ध्यान से भरिएगा, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, नेम, बैंक नेम, ये सब बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। यहाँ पर आप देखिए स्कैन कॉपी, आधार, कंबाइंड फोटोग्राफ, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, तथा देखिए आपका
फोटो सिग्नेचर, फोटो और पासबुक, मोबाइल नंबर यहाँ करके ओटीपी जनरेट, ओटीपी करेंगे, यहाँ पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करके यहाँ पे क्लिक करके आप सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर्म फीस पेमेंट, यहाँ से देखिए आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा यदि आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए आपका ऐसा आएगा, स्टेप टू आएगा, फिर स्टेप टू में आपका सेव करना होगा। जैसे स्टेप टू आप सेव करेंगे, स्टेप थ्री में आपका फीस पेमेंट आएगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, काउंसलिंग फीस, वो 200 रुपीज़ है, आपको बता ही दिया हमने पिछले वीडियो में। तो ये थी आपकी फीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट 200 आप करेंगे, उसके बाद स्टेप फोर में आपका कंप्लीशन हो जाएगा, मतलब जो आपका काउंसलिंग है वो आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, इस बात को जान लीजिए। आपकी काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में अभी एडमिशन है वो आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से नीचे क्लिक हियर प्रिंट द फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट करके रिसिप्ट निकाल सकते हैं, जो आपने फीस पेमेंट 200 की है। अब आपको सीट अलॉटमेंट या इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेना है, यदि आपको आपको फीस पेमेंट करनी होगी, देखिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर एडमिशन से यहाँ पे क्लिक करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हो, देखिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा फिर से, और इसी सेक्शन में देखिए नीचे लिखा हुआ का, यहाँ पर आपका सीयूटी का रोल नंबर डालना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला, ऊपर डिटेल्स आपकी सारी होगी, फोटो वगैरह होगी, इसको हमने हाइड कर दिया है, फोटो वगैरह होगी, और यहाँ पर आपके पास देखिए 5 कॉलम होंगे, जिसमें आपका माई एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वहाँ पर ये दिखेगा, फिर एडमिशन सेक्शन, न्यूज एंड नोटिस, SMS लॉग, लॉगआउट। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली कट ऑफ जो भी होगी उसकी वीडियो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगी। तो Instagram तथा Telegram से भी आप लोग जुड़ जाइए, कुछ खबरें अधिक होने से वहाँ पर सारी चीज़ें आपको और अच्छे से मिल पाएंगी। वीडियो में तो हम सारी चीज़ें बता ही रहे हैं। तो देखिए आप एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे, अब आपका सिर्फ काउंसलिंग हुआ है अभी तक, अब आपको एडमिशन लेना है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। आप एडमिशन सेक्शन में जाएंगे, जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। और जैसे देखिए इस बच्चे का BSc है, हमने स्टार्टिंग के जो स्क्रीनशॉट है वो BCA के लिए हैं, और बाकी जो के हैं जो BSc के हैं, तो इससे घबराइएगा मत, जिसका जो कोर्स है उसका वही शो होगा। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, मंगाए हैं, तब जाके हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो इस आपको कोर्स से मतलब नहीं है, जो कोर्स आपका होगा वो वही शो होगा, ठीक है। इस वीडियो की उस पर मत जाइए कि वीडियो में भैया ने स्टार्टिंग के स्क्रीनशॉट BCA के दिखाए हैं और बाद में BSc का दिखा रहे हैं फीस पेमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका सेम आएगा, बस ये है कि हमारे पास जो स्क्रीनशॉट आए हैं वो अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये BSc का है, तो जैसे आपके अब आपके पास कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे। देखिए आपके पास जैसे BSc ये मैथ ग्रुप का है, तो मैथ में शायद 5 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपके पास देखिए ये आपको स्क्रॉल फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए ऐसे जैसे हमने स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में लगाया है, 1 2 3 4 5, देखिए ये आपके फॉर्मेट है सारे, सबके नीचे देखिए आपको लिखा होगा एडमिशन सेक्शन में ही फीस पेमेंट का। सबसे पहले आप इन सभी कॉलम में टिक करेंगे, यहाँ पर रीड वाले में भी टिक कर देंगे, जो भी आपका फीस अमाउंट होगा वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नीचे लिखा होगा। देखिए आपका आपको जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है उसी पे आप फीस पेमेंट करिएगा, अनदर आप दूसरे पे करेंगे और आपको लेना कुछ और है, तो आपको जिसमें आपने फीस पेमेंट किया है जिस कॉम्बिनेशन में वही आपको मिलेगा। सब कॉम्बिनेशन के जितने भी कॉम्बिनेशन आपके होंगे उनके नीचे देखिए लिखा हुआ सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, उसी कोर्स को क्लिक करना है जिसमें आपको, जैसे PEM है, देखिए PCAM है और ये PCM है, PSM है, इन्हीं जैसे आपको PCM लेना है तो PCM के सारे उसमें क्लिक करके आई हैव रीड अंडरस्टैंड, नीचे आपको लिखा होगा सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, उसमें आप क्लिक करेंगे, सबके नीचे लिखा, देखिए यहाँ पर क्रॉप हो गया तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट नीचे आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन फाइनली ये हो जाएगा, और यहाँ से आपकी सीट अलॉटमेंट, मतलब जो आपकी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन और सीट है वो आपकी कंफर्म हो गई। ये प्रोसेस आपका लास्ट प्रोसेस होगा, इसके बाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए आपका ये स्पोर्ट जो आपकी नोटिस आई है कैटेगरी वेटेज नोटिस वाला, देखिए कैटेगरी वेटेज नोटिस में आया है कि जिनको कैटेगरी का वेटेज चाहिए, जैसे देखिए आपको जनरल एंड चर्च स्पॉन्सर्ड क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं, तो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, उनका डाटा ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भेज दिया है, उनकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो जाएगी।
और बाकी जो और भी वेटेज सर्टिफिकेट है उनके बारे में आप कॉलेज प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे। आप एडमिशन पोर्टल में से वहां से कॉलेज प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देखेंगे आपका पेज 5 एंड 6 में आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले जो भी है इन सभी लोगों को जो वेटेज चाहिए, वेटेज के लिए ये देखिए गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है 10 सितंबर से पहले, 10 सितंबर रात 12 बजे से पहले आपको इस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस गूगल फॉर्म को 10 सितंबर के पहले आप लोग फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको वेटेज नहीं मिलेगा यदि आप फिल नहीं करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम एंड बीसीए वालों के लिए है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको 13 एंड 14 सितंबर को आपको 11:30 से 2:30 के बीच में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में जाकर, जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम या फिजिकली चैलेंज कैटेगरी वाले हैं वो थॉमस अब्राहम सर के पास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, एनसीसी यदि किसी का है तो डॉक्टर अजिन रे इन एनसीसी ऑफिस में, एसीसी का एलुमिनी वार्ड एंड एम्प्लॉयज वार्ड सर्टिफिकेट जो होता है मिस्टर राजकुमार मैसी के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आप लोग जाके वहां पर करा लेंगे। देखिए इनका फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखिए ये ऐसा फॉर्म है, जैसे देखिए ये है ईसीसी एम्प्लॉयज वार्ड सर्टिफिकेट, तो ये फॉर्म फिल करके आपको वहां से सिग्नेचर कराना है, एम्प्लॉय सिग्नेचर। और ये देखिए ईसीसी एलुमनस वार्ड सर्टिफिकेट, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको इस पे, तो देखिए ईसीसी एलुमनस वार्ड सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी के भैया है पापा हैं ऐसे लोग, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ये वाले एलुमनी वार्ड, जैसे सन डॉटर रियल ब्रदर या सिस्टर हस्बैंड वाइफ ऑफ द कॉलेज एलुमिनस, यदि आप ये सब हैं आपके घर में, आपके घर वाले मतलब कोई भी आपका घर का सदस्य जिसने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो उसको 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा एलुमिनस वार्ड सर्टिफिकेट से। तो इस सर्टिफिकेट को भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट कट ऑफ कल आएगी उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच।